अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। हाय 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 मजे। हमारे घर के बैक साइड पे काम लगा हुआ तो शोर आता रहता है यार। बाकी मछलियां आर वेरी हैप्पी। सलमान खान कहां है? सलमान खान ऊपर ही घूम रहा होता है, वो रहा हर जगह सलमान खान। बाकी मछलियां सारी गुड है। ओ ये देखो, घर के अंदर से निकली पब्लिक। ये जिनकी मछली है घर के अंदर से निकली। चौधरी वाली मछलियां काफी बड़ी हो गई हैं और गोल्डन फिश हमारी वैसे बड़ी प्यारी लग रही है। हमारे घर सिंगर भी आया है, इसका दुख हो रहा है। हां लिखा हुआ है नॉट फॉर ह्यूमन, ठीक है। तुझे ये भी खाना था अपने खून में, ये भी डालना था तुझे। तू खा सकते हैं, तू ह्यूमन थोड़ी है। बात तो सही है, गुड गुड, बात तो सही है। डेटल को बाहर निकाला है ये, अभी लाइट देख के देखो अंदर बढ़ गया। ये इधर घूम रहा है, अभी थोड़ा घूमेगा फिरेगा मस्ती करेगा और फिर हम इसको सब मिलकर ढूंढेंगे डेटल कहाँ गया। इसको भी खाना खिला दे साइलेंट। हाँ मछलियों को भी डाल दिया खाना, ना मछलियों को भी डाला जा चुका है। ये रहा सारा खाना, खाना खाना खाना। पता है कि सारा खाना जो चौधरी की मछलियाँ खा जाएंगी, बाकी जो मछलियाँ उतना नहीं खाती। एक मछली हमारी एरी मैमल को अपने हाथों से खिला रहे हैं टर्टल को। जब से इसकी बेगम मरी है ना, ये दुखी है। हम इसको हाथ से खाना खिलाते हैं नरम कर करके ना। इसको अपने हाथों से खिलाया जाता है साइलेंट की तरफ से। ये खाता नहीं है, इसे खिलाना पड़ता है। इसकी बेगम लानी पड़ेगी साइलेंट। कल इसको खाना वाना खिलाओ ना, इसकी बेगम लेके आएंगे। मेरी भी खोती तो मिल जाती है मंडी से। वाह वाह, लड़ाई शुरू, WWE स्टार्ट। ओ द वन एंड ओनली बिग शो। और चौधरी फ्यूरी और तू जाके उसको पकड़ के लाओ ना, जिनको इसको जिनको फिर भी उठाने का। ए चलो मोबाइल छोड़ दे, जिन लग जाएगा। मैं छोड़ दे, छोड़ नहीं रहा। अभी तेरा शो ऐसे ही चलता रहेगा। ओ बिग शो, ओ ओ ओ, अबे पीछे कहाँ जा रहा तू? अबे भाई मार दे ना। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। इसकी नाक जब तक ठीक हुई थी, हम तीनों का मुकाबला है अपनी रेसलिंग में, पुरानी, ठीक है? लेट्स गो। अबे चलो मेरी टोपी यहाँ पड़ी है, क्योंकि जो मैंने अभी सर पे बांधा हुआ वो बड़ा फनी लग रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा नहीं यार, मेरी टोपी आ रही थी। चौधरी कह रहा था इधर है, अब दिखाई देता हूँ यार, ये देखो क्या लग रहा हूँ मैं। तौबा तौबा, चौधरी टोपी का है मेरी टोपी यार, ये बुरा लग रहा है ना, कहाँ रखी हुई? अच्छा मैं आपको बता चलू यार, हमारे और वेड़े और जानवर आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, उनको जाके रिसीव करते हैं। ओ पठान वाली टोपी, इसको झाड़ना, मिट्टी सिटी लगी है। तुमने मेरे ख्याल इसको रोन दिया बुरी तरह। कैसे रोन दिया? ये तो अंदर से सामान बाहर आ गया इसको। फिर यार इसको उतारते हैं और हम बिखरे बालों के साथ ही ठीक है। नहीं, जानवर आ रहे हैं, उनके पट्टे लेने हैं, चोकर लेनी है और जाके रिसीव करना, उनको उतारना है। उतारते हुए थोड़ा सा रोला होगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है यार, बहुत प्यारे हैं, आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बैठो यार गाइस, जल्दी जल्दी चलो यार, चलो। उन सबके नाम भी रखेंगे और हमें टाइम से पहुंचना है, जगह बनाएंगे उनकी। इतने खूबसूरत खूबसूरत थे ना, और हैं भी माशाल्लाह से छह। कितने? माशाल्लाह छह, हम भी छह, वो भी छह। सोने सोने शादी कर ली उनसे, छह। अभी यार हम लोग कुतरा उठाएंगे और कुतरा ढेर लगा पड़ा है, बारिश हुई तो कीचड़ काफी ज्यादा नीचे ना, साइको और ज्यादा गंदा हो गया। बोरियां चोरियां नहीं है तो कुतरा रेबो के अंदर ही हमने फेंकना उठा के। और फिलहाल चाहिए 3 मन, मतलब 1 मन उधर 40 किलो, जिनको नहीं पता मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल 3 मन 120 किलो। ये बर्गर बच्चे जो है वो अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि कीचड़ है, पाँव गंदे हो जाएंगे। ये हैं बर्गर बच्चे, ये सारे अंदर बैठे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं। अच्छा, ये नीचे उतर रहे हैं कीचड़ में, यू हो जाएगा, नीचे नहीं उतर रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जोर लगा, क्या बात है, जान दिखा, जान खत्म हो गई कहानी, जल्दी जल्दी कहानी खत्म है भाई। तेरे से जल्दी खाली क्या वो जल्दी, ये वजन कम था, वो वजन ज्यादा था, दोनों मन मन दे। नाइस, सारे से उतार लेंगे भाई, तो उतार लेंगे यार, ये गलत है यार, मैं टक्कर मारेगा, लात मारेगा, सोचा क्या करेगा मैं, उनके इंडिकेटर सेट करूंगा कि लेफ्ट चले जाओ राइट चले जाओ। वाह जी वाह, लेकिन चलो रख देते, रख दिया मिस्टर शरीफ। चलो मिस्टर शरीफ इज शरीफ, इनमें से
सबसे ऊंचा ये शैतान है सबसे ऊंचा वाला हां यही जिसको मूवी में हाथ लगा इसका नाम रखते हैं मस्ती मस्ती डन करें वो शरीफ ये मस्ती मस्ती की पहचान क्या है निशान मस्ती सबसे बड़ा है इंतखाबी निशान सबसे लंबा है सबसे लंबा है ठीक है भाई चल जोर लगा रहा है वो उसको नहीं आना वो कह रहा है मेरे को नहीं आने का ओए दूसरा उतर रहा है ये भाई जबरदस्ती हमारे लिए लेज लेके आए हैं और हम खाएंगे क्या कर रहे हैं यार गिरोगे दानी ये कोई दाव वाली जगह ही नहीं है यही लगाऊंगा मैं ये गंदी जगह है यही लगाऊंगा यही यही ओ भाई पकड़ो ओ ओ ओ ये पागल हो गया यार पब्लिक आप लोग के लिए एक बड़ा अच्छा सरप्राइज आ रहा है जिसकी वजह से हम गए थे बाहर और टाइम इतना हो गया ना लेट हो गए गए भी थे तकरीबन चकवाल समझ लो ना चकवाल गए थे चकवाल के बिल्कुल पास तो वापस जा रहे हैं और जिन साहब जो इसने नवा रोटी शोटी खाई और तब से मुंह लटका के बैठा है इसको जो है ना सनी 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 इतना प्यारा है ना मैं बोल रहा हूँ बीवी बच्चे इसको बाद में होंगे सनी पहले नसना रोटी खाई और तब से बोल रहा हूँ भाई सनी पता नहीं कैसा होगा सनी कैसा होगा घर पे साइलेंट है पर जिन साहब को साइलेंट ट्रस्ट नहीं है कहता भाई वो अपना ख्याल ही रखता है उसको क्या रखेगा लो जी पहुँच गए और अच्छा सफर गुजरा मेरे रेवो ने जो एवरेज भी 12-13 की दी चल भाई सनी के बाप चलते नीचे जिन एक चैलेंज शर्त लगाते मेरे साथ एक जो साइलेंट है ना उसने तेरे सनी को कुछ खिलाया नहीं होगा तू जो मर्जी कर वो मुझे पक्का यकीन है मेरे साइलेंट पे मैं उसको अच्छे से जानता हूँ उसने कुछ नहीं खिलाया होगा देख लेना ये देख काम देख इसके दरवाजा पूरा खोल रखा है ये देखो जी सही बिजली बड़ी सस्ती है साइलेंट साहब ने लाइटें भी जला रखी हैं आजा देखते कौन बैट जीतता है सनी को खाना खिलाया नहीं मैंने मछलियों को और टर्टर को अपने हाथों से खिलाया मुझे बता दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है पूरा का पूरा दरवाजा दरवाजा खुला हुआ है कोई सामान वहां से उठा के ले कैसे अगर ये ना आया होता ना मेरे बाल भी बड़े तमिलनाडु कराओ जल्दी से कहाँ से खा लिया तूने खिलाया नहीं है तूने खाना नहीं खिलाया उसको छोड़ उसका मैदा भी भूला हो सकता है तूने खिलाया पानी ज्यादा पी लिया फिर नहीं पानी नहीं मैं तूने कुछ खिलाया पिलाया नहीं उसका मैदा फूल गया प्रेग्नेंट हो गया वो आर यू कॉमेडी मी शादी खा रहे हैं मुझे कहते हैं साइलेंट ही खा रहे हैं भाई मैं जा रहा हूं जरा घर सच बात बताओ आज हारिस भाई की एंगेजमेंट हुई है क्या कर रही हो मुझे शर्म आ रही है हारिस भाई सनी ढीला हो गया साइलेंट ने कुछ कर दिया चलो जी गाइस ठीक है कल व्लॉग आएगा इसकी मैयत का जानवर मरने से पहले हलाल कर दो तो वो खाया जा सकता छुरी ले गया गंजे जल्दी जल्दी जाओ चल बिस्मिल्लाह कर
मेल लग जाएगी ये। जिनको जिनको दे दे जिनको। कैसे वो ऐसे नहीं करते जिन नोक लग जाएगी इसकी। क्या चेक कर रहा है यार बताए क्या करें इसको ना हल्का सा लहसुन खिला दे। ये खुद नहीं खाएगा इसको चूंच खोल के ना छोटा सा बारीक से लहसुन जा लहसुन का कुछ कर इसकी चूंच पकड़ के ना वो रो रहा है सनी के मामा रो रहे ए सेट हो जाएगा वे कुछ नहीं होता सही हो जाएगा वो सही है ये इसको कुछ भी नहीं लहसुन खिला इसको इसको थोड़ा सा भगाते हैं भागेगा ना फिर इसका थोड़ा हाजमा वाजमा सही होगा उसको लाइट के साथ भगाओ ये थोड़ा भागेगा ना जैसे लाइट को फूंक मारा था कल थोड़ा सा इसको भगाओ इसको थोड़ा भगाओगे ना ये हाजमा वाजमा होगा इसका सनी सनी ए सेट हो जाएगा जिन्ने कुछ नहीं होगा इसको जब तक हम बड़ा नहीं करेंगे चौधरी मत खिला इसकी जान मत खिला ये पानी पिला इसको नीचे रख जान नहीं छोड़ेंगे हम सनी पानी पी ले अब रख ऊपर कर यार नहीं पी रहा पी रहा पी रहा ज्यादा मत पिलाओ बस थोड़ा सा और पिला दो ज्यादा ज्यादा मैदा नहीं भरा पानी ना पानी नहीं पिया है ना इसने चूल्हे के पास लेके बैठो आंच लगे गर्माइश वाली जले वाले ना ये इस ख्याल से मैं खुद पाले ये खुद जाके चूल्हे के नीचे बैठ जाते थे सर्दियों में गर्माइश मिलती थी चूल्हा जला के थोड़ी सी गर्माइश दो बस सनी को इतनी जल्दी कुछ नहीं होने देंगे इंशाल्लाह सनी को हम बड़ा करके पका के खाएंगे कभी रोते नहीं देखा मैंने चूल्हे के पीछे देख तू इसको पानी पिलाओ हाँ बस दूर दूर मतलब ज्यादा जले चले ना लेकिन गर्माइश से मिले इसको सेट हो जाएगा ये और आज हम ब्लॉग तब तक एंड नहीं करेंगे जब तक सनी ठीक नहीं होता देख गर्माइश मिल रही ना कैसे आंखें बंद कर ली इसको सिर्फ ठंड लगी है और कुछ भी नहीं पब्लिक दो टॉपिक के बारे में बात करनी है आपसे एक तो यार अभी जो जिन का चूजा ना मतलब अब लोगों ये लेगा चूजा यार लेकिन वो उसके साथ इतना इमोशनली अटैच है ना पाँच छः दिन से सात दिन से पीट रहा था उनमें चूजा लेके दो चूजा लेके दो चूजा लेके दो लेके दिया और वो इतना इमोशनली अटैच था उसके साथ अभी अभी भी बैठ के वो रो रहा था फिर उसको चुप करवाया और थोड़ा आसरा दिया कि हाँ यार सेट हो जाएगा थोड़ा ढीला हो रहा है वो लेकिन अल्लाह करे सेट हो जाए दूसरा फैज़ान जो भी मुझसे मिलता है वो पूछता है भाई मोविन भाई फैज़ान की आपकी लड़ाई हो गई या फैज़ान से भी कॉमेंट्स किए जाते हैं मुझसे भी किए जाते हैं यार ऐसा कुछ नहीं है आपको पता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बल्कि भाइयों की तरह उसका ऑपरेशन था तो वो लाहौर से आया था फैमिली फैज़ान की वहाँ होती है मेरी फैमिली यहाँ होती है मैं समटाइम वहाँ मिलने चले जाता हूँ वो समटाइम यहाँ मिलने आ जाता है अपना एक अच्छा टाइम गुजरा साथ हम हमेशा याद रखेंगे और ऐसे हुआ करेगा कि वहाँ मिलने मेरे साथ जाया करेगा मैं वहाँ जाया करूँगा मिलने के लिए वो यहाँ आया करेगा मिलने के लिए तो अपना ईजी सीन रहेगा अभी वो यहाँ आया हुआ तो शुक्र मेरा लगाते रहेंगे बाकी इंशाल्लाह यार अपना दुआ करना कि हमारा जो सनी वो ठीक हो जाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिल से लव यू सोशल पर फॉलो कर लेना मिलते हैं कल के ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़।